तो जयपुर से अगली खबर आ रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा के आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुबह 8:30 बजे जयपुर से बस्सी जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। श्री सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम जाने का कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिद्धपीठ धाम में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं सीएम। राइजिंग राजस्थान 2024 के लिए करेंगे अमित शाह को आमंत्रित। तो ऐसे में आज कार्यक्रम प्रस्तावित है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो कि अहम भी है। पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वहां पर मुलाकात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। शशि, वापस लौट आए हैं सीएम, कल उनका भव्य स्वागत किया गया काफी ढोल नगाड़ों के साथ, और आज दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है, तो वहीं पर एक कार्यक्रम है बस्सी जाएंगे, जहां पर भी सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम जाने का कार्यक्रम है। क्या कुछ दोनों कार्यक्रम में रहने वाला है? दरअसल मुख्यमंत्री वापस लौट आए और जयपुर से जापान विकसित राजस्थान का नारा गूंजता दिखाई दिया है, लेकिन आज अब रूटीन के कार्यक्रम भी शुरू हो गए। कल उन्होंने बैठक ली है अधिकारियों की, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के समीक्षा की है, स्वच्छता पखवाड़ा जो पीएम के जन्मदिन से शुरू होगा 17 सितंबर से, उसको लेकर के निर्देश दिए हैं। साथ में जो अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसल हुई है उसके खराबे के आकलन के निर्देश दिए, किसानों को राहत के निर्देश दिए। साथ में आज उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, और उन्हें राइजिंग राजस्थान में पधारने का न्योता भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। इसके साथ में जो बस्ती से सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम है, वहां पर हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। समाज की जो प्रतिभाएं अलग अलग परीक्षाओं में अव्वल आई है और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है उनको सम्मानित करेंगे। इसके साथ में शाम को वैश्य समाज के जनप्रतिनिधियों का भी एक सम्मान समारोह है, जिसमें वैश्य समाज के विधायकों और सांसदों का सम्मान किया जाएगा। उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे, तो दोनों की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम का समय है जी, वो शाम को तकरीबन 4-5 बजे के आसपास का बन रहा है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।